भविष्यवक्ता। परमेश्वर हमेशा इसराइलियों के पास भविष्यवक्ताओं को भेजता रहता था। भविष्यवक्ता परमेश्वर से संदेशों को सुनते थे और फिर उसे लोगों को बताते थे। जब अहाब इसराइल राज्य पर राजा था तो उस समय एलियाह भविष्यवक्ता था। अहाब एक बुरा व्यक्ति था। उसने झूठे बाल देवता की उपासना करवाने के लिए लोगों को विवश किया था। इसलिए एलिय्याह ने अहाब से कहा कि परमेश्वर उन लोगों को दंडित करने जा रहा था। उसने उससे कहा, जब तक मैं फिर से बारिश होने के लिए न कहूँ, तब तक इसराइल के राज्य में न बारिश होगी और न ही ओस गिरेगी। इस बात ने अहाब को इतना क्रोधित कर दिया कि उसने एलिय्याह को मार डालने का निर्णय किया। इसलिए परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि वह जंगल में जाकर अहाब से छिप जाए। एलिय्याह जंगल में उस सोते के पास गया जहां जाने के लिए परमेश्वर ने उसे बताया था। हर सुबह और हर शाम पक्षी एलिय्याह के लिए रोटी और मांस लेकर आते थे। इस संपूर्ण समय अहाब और उसकी सेना एलिय्याह की खोज करते रहे, परंतु वे उसे खोज न पाए। बारिश न होने से कुछ समय के बाद वह सोता सूख गया। इसलिए एलिय्याह पास ही के एक देश में चला गया। उस देश में एक गरीब विधवा थी जिसके एक पुत्र था। उनके पास भोजन लगभग समाप्त हो चुका था क्योंकि वहां कोई फसल नहीं हुई थी, परंतु फिर भी उस स्त्री ने एलिय्याह की देखभाल की। इसलिए परमेश्वर ने उसकी और उसके पुत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया। इस कारण से उसके आटे का पात्र और उसके तेल की कुप्पी कभी खाली न हुई। उस पूरे अकाल के दौरान उनके पास भोजन था। एलिय्याह कुछ वर्षों तक वहां रहा। 3.5 वर्षों के बाद परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि वह फिर से बारिश करेगा। उसने एलिय्याह से वापस इसराइल के राज्य में जाकर अहाब से बातें करने के लिए कहा। इसलिए एलिय्याह अहाब के पास गया। जब अहाब ने उसे देखा तो उसने कहा, अच्छा तू है मुसीबत पैदा करने वाला? एलिय्याह ने जवाब दिया, मुसीबत पैदा करने वाला तो तू है। तूने यहोवा को त्याग दिया है, वही सच्चा परमेश्वर है, लेकिन तू बाल की उपासना कर रहा है। अब तुझे इसराइल राज्य के सब लोगों को कर्मेल पर्वत पर लेकर आना है। अतः सब लोग कर्मेल पर्वत को गए। वे पुरुष भी आए जो कहते थे कि वे बाल के संदेशों को बोलते हैं। ये बाल के भविष्यवक्ता थे। वे सब 450 थे। एलिय्याह ने लोगों से कहा, कब तक तुम अपने मनों को फिराए रखोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसकी आराधना करो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो। तब एलिय्याह ने बाल के भविष्यवक्ताओं से कहा, एक बैल को बलि करके उसके मांस को बलिदान होने को एक वेदी पर रखो, परंतु आग मत लगाना। उसके बाद मैं भी वैसा ही करूंगा और एक अलग वेदी पर मैं उस मांस को रखूंगा। तब यदि परमेश्वर वेदी पर आग गिराता है तो तुम जान लोगे कि वह सच्चा परमेश्वर है। तब बाल के भविष्यवक्ताओं ने एक बलि को तैयार किया, परंतु आग नहीं लगाई। तब बाल के भविष्यवक्ताओं ने बाल से प्रार्थना की, हे बाल हमारी सुन। पूरे दिन उन्होंने प्रार्थना की और चिल्लाए और यहाँ तक कि स्वयं को चाकुओं से काट लिया, परंतु बाल ने जवाब नहीं दिया और उसने कोई आग नहीं गिराई। बाल के भविष्यवक्ताओं ने बाल से प्रार्थना करने में लगभग पूरा दिन बिता दिया। अंततः उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। तब एलिय्याह ने दूसरे बैल के मांस को परमेश्वर की वेदी पर रख दिया। उसके बाद उसने लोगों से पानी के विशाल बर्तनों को उस बलिदान पर तब तक उड़ेलने के लिए कहा जब तक कि मांस, लकड़ियां और यहां तक कि वेदी के आसपास की भूमि पूरी तरह से गीली न हो गई। तब एलिय्याह ने प्रार्थना की, हे यहोवा अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमें दिखाओ कि आप इसराइल के परमेश्वर हैं और यह कि मैं आपका दास हूँ। मुझे जवाब दीजिए जिससे कि ये लोग जान लेंगे कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं। तुरंत ही आकाश से आग गिरी और उसने मांस, लकड़ियां, चट्टाने, मिट्टी और यहाँ तक कि वेदी के आसपास के पानी को भी जला दिया। जब लोगों ने यह देखा वे भूमि पर गिर पड़े और बोले, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। तब एलिय्याह ने कहा,
बाल का एक भी भविष्यवक्ता बचकर न जाने पाए, इसलिए लोगों ने बाल के भविष्यवक्ताओं को पकड़ लिया और उनको वहां से अलग ले गए और उनको मार डाला। तब एलिया ने अहाब राजा से कहा, जल्दी से अपने घर को भाग जा क्योंकि बारिश होने वाली है। जल्दी ही बादल घने हो गए और भारी बारिश आरंभ हो गई। यहोवा उस सूखे को समाप्त कर रहा था। इससे प्रकट हुआ कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। जब एलिया ने अपने काम को समाप्त कर दिया तो परमेश्वर ने एलीशा नाम के एक पुरुष को अपना भविष्यवक्ता होने के लिए चुना। परमेश्वर ने एलीशा के माध्यम से बहुत से चमत्कार किए। एक चमत्कार नामान के साथ हुआ। वह एक शत्रु की सेना का सरदार था, परंतु उसे त्वचा का एक बुरा रोग हो गया था। नामान ने एलीशा के बारे में सुना था, इसलिए वह एलीशा के पास आया और उससे उसे ठीक करने के लिए अनुरोध किया। एलीशा ने नामान से कहा कि जाकर यर्दन नदी के पानी में 7 बार डुबकी लगा ले। नामान क्रोधित हो गया। उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह उसे मूर्खता का काम लगता था, परंतु बाद में उसने अपना मन बदल लिया और जाकर यर्दन नदी के पानी में 7 बार डुबकी लगाई। जब अंतिम बार वह पानी से बाहर निकला तो परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों के पास अन्य बहुत से भविष्यवक्ताओं को भेजा। उन सब ने लोगों से मूर्तियों की उपासना करना बंद कर देने के लिए कहा। इसके बजाय उनको एक दूसरे के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और एक दूसरे पर दया करनी चाहिए। उन भविष्यवक्ताओं ने लोगों को चेतावनी दी कि उनको बुरे कामों को करना बंद कर देना है और इसके बजाय परमेश्वर की बातों का पालन करना है। यदि उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो परमेश्वर उनको दोषी मानकर उनका न्याय करेगा और उनको दंडित करेगा। अधिकांश समय उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। अक्सर उन्होंने भविष्यवक्ताओं के साथ बुरा व्यवहार किया और यहाँ तक कि कभी कभी उनको मार डाला। एक बार उन्होंने यर्मिया भविष्यवक्ता को सूखे कुएं में डाल दिया और उसे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। वह कुएं के तल में कीचड़ में धस गया, लेकिन तब राजा को उस पर दया आई और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि यर्मिया के मरने से पहले उसे कुएं से बाहर खींच ले। भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर की ओर से बोलना जारी रखा। भले ही लोगों ने उनसे नफरत की, उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर उनको नाश कर देगा। उन्होंने लोगों को यह भी स्मरण कराया कि परमेश्वर ने उनके पास मसीह को भेजने की प्रतिज्ञा की है।